बुद्ध का एक भिक्षु आनंद पूछने लगा, स्त्री के संबंध में मन में कभी भी काम वासना उठती है तो अगर स्त्री मिल जाए तो उससे कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो बुद्ध ने कहा, स्त्री अगर मिल भी जाए तो बचकर चलना और दूर से निकल जाना। आनंद ने कहा, अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि बचकर न निकला जा सके? तो बुद्ध ने कहा, आँख नीचे झुकाकर निकल जाना। आनंद ने कहा, और यह भी तो हो सकता है कि ऐसी स्थिति आ जाए कि आँख भी झुकाना संभव न हो। समझो कि कोई स्त्री गिर पड़ी हो और उसे उठाना पड़े, या कोई स्त्री कुएं में गिर पड़ी हो और जाकर उसको सहारा देना पड़े, या कोई स्त्री बीमार हो, ऐसी स्थिति आ जाए आँख बचाकर भी चलना मुश्किल हो जाए। तो बुद्ध ने कहा, छूना मत। और आनंद ने कहा, अगर ऐसी अवस्था आ जाए कि छूना भी पड़े? तो बुद्ध ने कहा कि जो मैं इन सारी बातों से कह रहा हूँ उसका सार कह देता हूँ। छूना, देखना, जो करना हो करना, होश रखना, इन सारी बातों में मतलब वही है। स्त्री से बचकर निकल जाना तो भी होश रखना पड़ेगा। स्त्री को बिना देखे निकल जाना तो भी होश रखना पड़ेगा। बेहोशी में तो आँख स्त्री की तरफ अपने आप चली जाती है, बेहोशी में तो पैर स्त्री की तरफ अपने आप चले जाते हैं, विपरीत नहीं जाते। बेहोशी में तो भीड़ में स्त्री को धक्का लगने के लिए शरीर तत्पर हो जाता है। बचकर निकलना तो दूर, अगर स्त्री बचकर निकलना चाहे तो भी उसको बचकर निकलने देना मुश्किल हो जाता है। बेहोशी में तो स्त्री को छूने का मन होता है। तो बुद्ध ने कहा, फिर मैं तुझे सार की बात कह देता हूँ। तो गौण बातें थी, लेकिन उन सब गौण बातों में वही धागा अनुसूत था, जैसे माला के मानकों में धागा अनुसूत होता है। मान के दिखाई पड़ते हैं, धागा दिखाई नहीं पड़ता, वह होश है।